सो गाइस, ये जो आप हमारे सामने गाड़ी देख रहे हो जो कि आपकी है ऑल न्यू 2024 बजाज की पल्सर N250 जो कि आप ब्लैक कलर में देख पाओगे। तो आज हम लोग इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैंने एक्वाफिना बोतल पे 1 लीटर पूरा पेट्रोल ले लिया हूँ। अच्छे से माइलेज टेस्ट करने वाले हैं कि रियल में ये गाड़ी आपको माइलेज क्या देती है। कंपनी बहुत कुछ क्लेम करती है बट जो रियल माइलेज है वो आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसका जो टैंक है उससे जो भी पेट्रोल था उसे मैंने टोटली खत्म कर दिया है। और एक बार ना गाइस मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखो नहीं चालू हो रहा है, फिर से चालू करूँ? ये आप देख लो। और ज़्यादा मैं सेल्फ स्टार्ट लेता हूँ तो इसका जो FI वाला इंजन है वो आपका ख़राब होने का चांस है, इसलिए मैं ज़्यादा सेल्फ स्टार्ट नहीं लूँगा। इसके अंदर जो भी पेट्रोल था उसे मैंने पहले ही टोटली ख़त्म कर दिया है। और साथ साथ ए पोर्टल है उसमें 1 लीटर मैं आपके सामने ही डालूंगा। और जो भी ओडोमीटर है उसे मैं आपको ज़ीरो कर दूंगा। ओडोमीटर तो ज़ीरो नहीं होगा बट जो Trip 1 है चाहे Trip 2 है उसे मैं किसी को एक को ज़ीरो कर दूंगा। उसके बाद मैं आपके सामने ही राइड करके इस गाड़ी का जो भी माइलेज टेस्ट है वो आपको मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगा। अभी आप देख सकते हो जो कि ओडोमीटर मैंने 18 किलोमीटर चलाया हुआ गाड़ी, इसे मैं Trip 1 पे करता हूँ। ये आप देख सकते हो Trip 1 में ये आपका 17.1 किलोमीटर चला हुआ है, इसे मैं ज़ीरो कर देता हूँ। इसे जब लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो ये आप देखोगे यहाँ पे सामने आपके सामने Trip 1 जो है वो आपका टोटली ज़ीरो हो गया। और Trip 1 पे ही मैं आपको हर एक किलोमीटर आपको चलाता जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सामने से दिखाता जाऊंगा कि ये कितना किलोमीटर तक चली हुई है। तो सबसे पहले टैंक को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको मैं पेट्रोल भर के दिखाता हूँ। अगर आपके पास N250 है तो आप बताइएगा कि आपको रियल में ये गाड़ी आपको माइलेज क्या दे रही है। ये आप देख सकते हो ये आपके सामने पूरा पेट्रोल इसमें चला गया। अब मैं आपके सामने गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो हो गया ना गाइस एक बार मैं चालू, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी गाइस देख सकते हो जो कि हम लोगों ने इस गाड़ी को लगभग अप्रॉक्स 1 किलोमीटर तक चला लिया है। जैसे जैसे मैं आगे तक बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको ओडोमीटर भी दिखाता जाऊंगा और जहां पे भी ख़त्म होगा उस जगह पे आपको रियल जो भी माइलेज दे रही है गाड़ी वो आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। और मैं इस गाड़ी को जो चलाने वाला हूँ जो कि सिटी और हाईवे दोनों में ही चलाने वाला हूँ, जिससे आपको मिक्स टू मिक्स आपको अच्छे से माइलेज पता चल सके। और जो स्पीड रहेगा जो कि आपको लगभग देखा जाए तो 80 के अंदर ही स्पीड रहेगा। ज़्यादा मैं रफ़ राइडिंग नहीं करने वाला हूँ, आराम से राइड करने वाला हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल सके। अगर आपके पास ये गाड़ी हो, चाहे आप इसे ऑन करते हो, चाहे किसी का भी आपने देखा हो गाड़ी, तो आपको माइलेज क्या दे रही है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, जिससे आपको भी अच्छा से अंदाज़ा लग जाएगा कि दोनों में आपको डिफ्रेंसेस क्या मिला है। क्योंकि जो माइलेज है वो आपका टोटली राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से गाड़ी को चलाते हो, कितने अच्छे से आप इसे मेंटेन करके रखे हो। और अभी देखा जाए तो इस गाड़ी का एक भी सर्विसिंग नहीं हुआ है। अफकोर्स आपको सर्विसिंग होगा उस वक्त थोड़ा सा माइलेज आपका इंक्रीज हो जाएगा, बट अभी कभी अच्छा माइलेज दे देती है गाड़ी तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और अगर आप इस गाड़ी का लेने का सोच रहे हैं और इसका अगर आपने राइड रिव्यू नहीं देखा है तो सबसे पहले इस गाड़ी का आप राइड रिव्यू देख लो, आप डिटेल्ड रिव्यू देख लो, उसके बाद ही आप माइलेज टेस्ट देखो, तब जाके आपको अच्छे से पता चलेगा इस गाड़ी में आपको क्या क्या कमी मिलती है और क्या क्या आपका खासियत है इस गाड़ी का और चलाने में आपका कैसा है और किसके लिए ये गाड़ी जो है वो आपके लिए बेटर बनाया गया है। उसमें क्योंकि मैंने राइड रिव्यू में हर एक कुछ अच्छे से बताया हुआ है जिससे आपको लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अभी आप देख लो जो कि हम लोगों ने लगभग 2 किलोमीटर तक इस गाड़ी को चला लिया है। मुझे ऐसा लगता है, नहीं मुझे क्या लगता है, जो आपको रियल मिलेगा माइलेज मैं वही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? मुझे जो लगता है वो बात छोड़ो, तो सीधा मैं आपको अगले इंटरवल पे मिलता हूँ जहाँ कि कुछ मैं किलोमीटर तक इस गाड़ी को चला लूँगा उसके बाद। और गाइज अभी आप देख सकते हो जो कि हम लोगों ने इस गाड़ी को 27 किलोमीटर तक राइड कर चुका हूँ जो कि Trip 1 में मैंने आपको बताया, शायद आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा। तो और भी आपको क्या लगता है कि कितना किलोमीटर और चलेगा वो आप कमेंट करके बता सकते हो। जहाँ पे भी ख़त्म होता है उस जगह पे आप मैं आपको रियल इस गाड़ी का जो भी माइलेज है वो मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी आप गाइस देख लो जो कि हम लोगों ने 35.2 किलोमीटर तक इस गाड़ी को चला लिया है और एक दो बार बीच बीच में ऐसा लगा कि पेट्रोल छोड़ रहा है। ये आप देखो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल छोड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब ज़्यादा दूर चलने वाला है। ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 500 मीटर भी चल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। देखता हूँ जहाँ पे भी बंद होता हूँ आपसे मिलता हूँ। देखो अभी तो जैसे कि देख सकते हो एक्सीलेटर में ले रहा हूँ, गाड़ी मतलब झटका मार रहा है। देखो
ले रहा हूँ, छोड़ रहा है गाड़ी एक्सेलरेटर स्पीड, फिर चल रहा है, फिर छोड़ रहा है। अब इस जर्किन के पास बंद ना हो जाए। ओहो चल जाए चल जाए, थोड़ा देर और। ये आप देखो कि हम लोगों ने अभी 36 किलोमीटर लगभग चल लिया हूँ। ये पूरा झटका दे रहा है। और अभी गाइस देख लो, हम लोगों ने 36.5 किलोमीटर चल लिया हूँ और यहाँ पे आके गाड़ी एक्सेलरेटर पूरा छोड़ दिया है और फाइनली गाड़ी यहाँ आके बंद हो चुका है। ये आप यहाँ से किलोमीटर देख लो, 36.6 किलोमीटर शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं इसे रोकता हूँ और आपको मैं एक बार चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो, इंजन किल स्विच ऑन ऑफ, की ऑन ऑफ, फिर से ऑन ऑफ। अब मैं चालू करता हूँ। ये आप देखो एकदम भी चालू नहीं हो रहा है गाइज। और अभी आप देखो ट्रिप वन पे मैंने जो आपको मैंने बताया 36.7 किलोमीटर, ये आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा। तो इतना का ये गाड़ी माइलेज दी है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा इस पल्सर N250 से। आपको कैसा लगा इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से माइलेज टेस्ट किया, 36.7 किलोमीटर का ये गाड़ी आपको माइलेज दी है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको N250 250 cc के हिसाब से देखा जाए तो आपको माइलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।